और इस गल का मैनू पहले तो ही पता कि इन्हों लोगों ने जेड़ना इंज ही करनी आ, इस करके जेड़ना मैं अपना बंदोबस्त जेड़ना कर लिया। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बेगम ने जेना तंदूर लिंब लेने चार, और मैं भी उन्हें सब तो पहले जेना पंजा तंदूरां दे जेना मुंह बना लवां, तेनू बैर रख लईए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मौसम खराब आ। हां जी, चार तंदूर में लिंब लेने, पंजा तंदूर ते मिट्टी में सट दित्ती। हां हुण और लिंब लईयां ते इहनां दे ए आखरी नहीं आ, ओ हुण आखरी नहीं तंदूर। हां मिट्टी जेही ना खत्म होगी, मैं मिट्टी कोट के बे लईना पहले जेना इहनां नूं बाहर रख ली। बदल जेना बणिया होया, मौसम काफी सर खराब आ, बार बार रख लेने ताकि शापर रेट दे लो सा। चलो ठीक हो गया। इन्हू चारा मुंगर मार कर लेने, वड्डा तो जाना फिलहाल सवेरे ही निकलेगा, इन ओलिया जाना हूं कर लेने, ठीक है ना। हाँ, और बाकी मिट्टी कोट के मैं बेनी आ, उन्हें वरिया जाना पानी तरोक देना, ते सवेरे उन्होंने पानी छिड़के होंगे तो उन्होंने साफ ही हो जानी है, लेकिन टाइम नहीं लगे। और असि जाना अलीमा साहब की निजा फातमा की दवाई भी जाना दोबारा लैन जाना, क्योंकि पहले दवाई ना जी इन्हों की खांसी जुकाम तो आराम ने, लेकिन जी ना खांसी नहीं गई अली तीन। हाँ क्यों पुत्र, दवाई आप फिर ले आवा, ठीक है फिर ठीक, परेशानी बन दी ना खांसी तो हूं नहीं बनेगी, आप दवाई फिर ले आवा, ठीक है नहीं वो लेके आवे अज आप दवाई जी दूसरा जो शरबत है ना उन कहे खांसी तो अच्छा दे निजा फातमा नु, खांसी है जुकाम कोई नहीं। नहीं जुकाम तो दोवे आराम है, लेकिन खांसी नहीं जा रही, इनकी दवाई आज लाया मांगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ मैं मुंह वाड़ लवा फिर तंदूर जेड़ा ये कर लेंगे, और इन्हू जेड़ा पहले बना ली, और इन्हें बैक साइड तो जेड़ा बाहर चल के लिंब देने, लेकिन मौसम में पहले जेड़ देख लवेंगे ना, अगर साफ होया मौसम तो लिंब लवेंगे, नहीं तो फिर इन्हें फर्स्ट टाइम ही लिंब लवेंगे, बल्कि हम लिंब लेंगे आई बारह च शाम आवेगी, खाली दिन बदल जेड़ा बन रहा उत्तर बाद सहमत दा घंटा पोस्ट बाद जो शहर चले जाना फिर खांसी गई। असल ते सवेरे फास्ट टाइम ही जेना उठ खड़ोंदे ने, ठंड भी आ, और दूसरा जेना फिर खांदे पींदे ही टॉफियां वगैरह हो गईयां लेज वगैरह ओ चीजां जे खांदे, मैं गलती आप कीती कल ने लेज भी लिया के देते। मुंगर मार के जेना कढ़ना चारा नु, एक साइड मुंगर रहिंदा और मैं जेना मुंह वाड़ लवां, और मुंह जेना सारे तंदूरां दे जेना वड्डी गए ने, मुंगर मार लवां इन्हां नूं पहले, मुंगर मार के उस बाद इन्हां नूं बाहर धो लैणा, बाहर धो के फिर कढ़ के इत्थे रख लवांगा, और बाकी मिट्टी में आण के कुटसां क्योंकि मौसम खराब आ, बारिश भी आ सकदी आ, पहले बारां दी चल के जेना दवाई बच्चियां दी ए लै के आवांगा, ए लाज़मी आ, बाकी काम जेड़ना होंदे रहने ने, इन्हां दी दवाई जेड़ना जरूरी है ताकि जेड़ना इसदे खिड़दे वत्तन ते असीं काम कर लैने आ। और आ हैं तां नहीं तां गिल्ले, लेकिन जेड़ा इन्हां नूं कढ रहे आ क्योंकि बारिश आ गई ना, ते इत्थे पानी वगैरह ने इन्हां नूं पै जावे।
ਔਰ ਮੰਗਾ ਤੇ ਫੇਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ बदल आ भी काफी सारा गया तो रे तंदूर बाहर ढो के दुकान भी बंद कर लेंगे अनुमान क्योंकि बैठा दुकान ते मैं जो काम कर रहा सारे तंदूर मुंगर जन वग गए और इन्हें बहर आण के कर लेंगे पहले जन तंदूर जन ला जाने बहर चल के जन पंदूर जन रख लें कि बनी जानी बहर जाओ सारे चाह जी ठंडिया जन छापर दे लवाने और तंदूर में ढो लवा तंदूर जो ढो के उसके बाद हनुमान दवाई क्योंकि हनुमान कला भी बैठा रहे दुकान से लेकिन जो गाहक आ जाए फिर जो नहीं समझ आ इस करके फिर नाले ले जावे दुकान बंद कर लवाने हाँ जी तंदूर जन सारे बहर जन लैके आ गए पांच तंदूर पंजे जन बहर लैके आ गए और बाकी चार जो तंदूर खड़े हैं टोया जो उन्होंने बहर काट लेंगे और दुकान जो है ताला ला ली है नुमान ताले चा दें दोवें और फिर शहर चो के दवाई लैके उस बाद आन के जो दुकान फिर खोल लवेंगे और बाकी जो चार तंदूर हूँ कड़ने साढ़े आंदे तक जो कुछ खुशक हो जाएंगे फिर उन्होंने जो बहर रख के और क्योंकि शाम जो छापर सारे तंदूर से दे लवेंगे क्योंकि बदल है शायद बारिश भी जी आ सकती इस करके जो फिर आप शाम जो छापर वगैरह जो दे लवेंगे अंदर टोया से भी और इन्हों पर भी ताला वाग गया अंदर ताला लाग फिर चलने जी मुंह धो लिया तंदूर वापसी पे आके जेना काट लवेंगे पहले चलने चल के जेना दवाई लिया हमने और तैयार हो गए ने चलिए हां चलिए चलिए चलो ठीक है चलो ठीक है चलिए तो वापसी ध्यान के मैं तंदूरी जेने भी रिपेयर करनी है और वो चारे भी जेने आन के काट लिया ठीक है ना क्योंकि आप जावन नावन करिए और आज पकाइए की आज पकाना की मैं ना दही ना लाया भी पाइया कि यदा क्यों लाया लेने तो उन्हें रहता जेने बना लेने ठीक ने ठीक हो गया क्योंकि मौसम ही जेना खराब और काम भी काफी सारा जेना आन करना है रोटियां सिर्फ पका लवे जितना जेना सिर रहता बना लवेंगे खा लवेंगे आंधे ला जेना काम सारे करने होंगे जेना इन्हें जेना दोबारा जेना कुट के कुतरने कुतरू कोई नहीं फिलहाल जेना बहुत बारीक हो जाएगा इन्हू जेना बेह के बाद जेना सुखा के जेना मतलब पक्के अगे जो साफ कर ताकि जेना मोटी मौज निकलेगी ना तो ज्यादा जेना इस्तेमाल भी नहीं होगी क्योंकि जिन्नी बारीक होगी मिट्टी ज्यादा इस्तेमाल होगी जिन्नी मौज जेना लंबाण ज्यादा होगी उन्नी कम इस्तेमाल होंगी जान की जेना तैयारी हो गई निजाब फातिमा भी जेना तैयार हो गई और हलीमा सादिया भी जेना तैयार हो गई और पहले शरबत जेना असि लैके जेना जा रहे हैं ताकि डॉक्टर पकड़न दे उस कहती मैं आप पकड़ के लै जावांगी चलिए चक लो सू आ जा और जी अस भी जेना चलने रस्ते फिर थोड़े गल हो हाँ जी शहर जेना स्टोर ते पहुंच गए और हलीमा सादी जेना खड़ी दवाई लै ली सही है अच्छा जुकाम तू कुछ आराम है ते खांसी है बस जुकाम ही है थोड़ा बहुत है पहले जिन्ना नहीं है ते खांसी जेड़ी ना वो ज्यादा निजाब फातिमा नु क्यों निजाब फातिमा हां काम सारा छाड़ के मैं आया
और इन्हें जो दुकान पर बैठा सी एपर इन्हें भी नहीं पाया आने लग्या। चलो तीन साल असि जो दवाई लैके फिर जो चलिया इतना खान पकान वास्ते जो कोई चीज ले जावे। हाँ जी, तो दवाई लैके घर वापस आ गए हूँ। पहले सब तो है तंदूरिया जी चार बैर काढ़ लवा, फिर मैं मिट्टी कुटनी शुरू करना। तकरीबन जो घंटा क लग जाना मैंने मिट्टी कुट के बेंद्या, उस तो बाद जो बहरले तंदूर जो सारे सैटिंग ने जोड़ के और छापर जो उपर वो दे लवेंगे। वैसे नहीं निकले चमड़े की रंबे ना देना कोशिश करने सैडल जेड़ना चंबड़े हुए सिक्की है। चलो खैर सलामती जेड़ना चारे निकल गए ना, और मैं मिला पूर खिलार ने मिट्टी दा तू उन जेड़ा तो दूर लेम के रोटी सालन जेड़ा मरा वाला। आज ते पहला पूर जेड़ना मिट्टी दा मैं भी कोट लिया और बंदर भी जेड़ना बाने है काफी सारा, और बेगम जेड़ना बार ले तंदूर जेड़नो बैक साइड तू जेड़ना लेम रही है। मैं मुनी देर तक करा मिट्टी गो के जेड़ी ना मिट्टी बे के फिर टोड़ा खटना टोड़ा खट के फिर जाके सारे जरूर जो समेटने ने। असल तो मिट्टी का टाइम काफी सारा लग जाता मुका के फिर नवा रेड़ा जेड़ा सटाना। थोड़ा जहा ड्रम वाली तंदूरी दाज भी रह गया, जुमे वाले दिन उन्होंने तंदूरियां चाल के देनिया ने मैं।
ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਲਾ ਲਉਣ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਜੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਜ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਛਾਪਰ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਛਾਪਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਪਰ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛਾਪਰ ਆ ਅਗਲੇ ਵਾਂਗ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਦੋ ਛਾਪਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਵਿੱਜ ਗਈ ਆ मिट्टी फे ली और छापर जेड़ना उपर देता और बदल जेड़ना इधरली साइड तो आ रहा फिर और बेगम जेड़ना रोटी सालन जेड़ना बना रही है ना रोटी खा के फिर जेड़ना बहरले सारे तंदूर के थले जेड़ना इटा दे के और छापर जेड़ना दे देवे और ए तंदूर जेड़ना रह गया नू रिपेयर करना सी लाजमन और ए जेड़ना रिपेयर करने वाला जेड़ रह गया और बच्चे जेड़ना खेल रहे हैं और बेगम जेड़ना बना रही है बिस्तरे सालन पक गया हाँ हाँ चलो ठीक हाँ चलो ठीक होगा मैं तंदूर आज अपना रह गया रिपेयर करने वाला और नुमान जी तो स्कूल च स्टार मिला सी नुमान ने सामने जो दीवार दे नाल जो लाता इतने अंदर बहु टीवी चला लो तुम इजाजत है ठीक है ना हाँ इजाजत तुम चला लो क्योंकि बच्चे ने जेड़ना इस टाइम शाम टाइम जेड़ना किंदा घंटा के जेड़ टीवी चला लिया करो सारा दिन फिर जेड़ना कोई नहीं चलांदे ने हां जी ते सालन जेड़ना माशाल्लाह पक के हो गया तैयार और हुन बेगम जेड़ना बना लगी है रोटियां मैं रोटी बना लेनी है काफी सारे सामगड़ी में हो गई है क्योंकि मिट्टी की जात गंदा रहे तो फिर देखा ना सो दुआ भी शहर काफी लेट आए चलो सारे काम हो गए मिट्टी बेना जेड़ी ना जरूरी है हाँ क्योंकि आज मिट्टी होन मिट्टी ना बिजली सवेरे तंदूर कोई नहीं मीणे हां सुबह साथ मेरी पहले पिछले तंदूर जेड़ा ना भी मिली बाय करके बाहर हां इंशाल्लाह बड़ा तंदूर जेड़ा भी लिमणा आपा हां सारे इंशाल्लाह लिमी दसन सुबह बड़ा लेंब लवांगे ना जेड़ी मिट्टी बची होंदी फिर छोटियां तंदूरियां लेंब लवे चलो ठीक है ले बड़े मिट्टी लानी है मिट्टी कोन लगी हुन सुबह लाल सा फर्स्ट टाइम पहले मिट्टी लाल सा ना ते बाद ही मिट्टी बहुत अच्छे तंदूर लेंब हांजी ते रोटी खा ली हुण सब तो पहले जेने बाहर तंदूरां दी जेने कर ली सेटिंग और छापर जेने चाह के अंदर लेके आ जाने अगर बारा शायद फिर जेने छापर दे लवांगे लेकिन फिलहाल जेने इन्हां नू सेटिंग करके जोड़ के रख लैने आ ए ली जेने छोटियां ने उत्थे अगे जेने रख लैने आ दो तंदूर वड्डे जेने इत्थे रखणे आ बाकी जेड़े ओ तीन तंदूर पए ने तीन तंदूर जेने इत्थे नाल करके जेने रख लवांगे ताकि बारा छावेगी ते फौरी जेने छापर उपर जेने दे लवांगे और छापर जेने चक लै जेने पहले इत्थे वड्डा तंदूर पिया सी माशाल्लाह जेने सेल हो गया इस करके जेने पहले छापर उन्दे च रखे हुए थे लेकिन हम छापर बाहर जेने पे ने ओपन इस वजह से जेने ने चक अंदर रख लेने तो बाकी तंदूर अंदर जेने सेटिंग कर लेने हैं और छापर उपर नहीं दे रहा मैं आखे जे नाली तक कोई पानी तंदूर जेना गिले ने मैं हवा ना सुख जावन के इस करके चलो हम छापर जेना लैके जाने अंदर ते बाद जेना मतलब बारह छावे की फिर जेना और
तकरीबन को घंटे दो तक कर जाने जाग रहे हैं, देख लवेंगे अगर मौसम ज्यादा खराब हो तो जाने ऊपर छापर दे लवेंगे। छापर चाक जाना अंदर लेके आ गया क्योंकि ये लोग जन एवं करे ना मेनू जाना पता क्योंकि पिछली दफा जन एवं तंदूर वड्डा जाना सेल हो गया ना गर्मिया छापर में उवें जन एवं जिवें अज बहार पिया से एवं पिया रहा छापर जाना चकिया गया। इस फिर जाना मैं पहले जाना सोच के छापर जाना अंदर लैके जाना आ गया, मैंने याद है मैं जाना तंदूर तो है कोई नहीं बड़ा जिंदे बिच पाए थे छापर जो दोवें पे आन क्योंकि हम बड़ा छापर जो 15 फुटा ये लैन का पता नहीं 1150 रुपए का और बाकी जाना 10 फुटा छापर वह हौला से वधिया इन्ना नहीं सी थोड़ा मोटा छापर लै भी देना ताकि गर्मी सर्दी के जाना बारिश हो जो भी हो कंट्रोल करे हवा भी तो इस करके और अज्ज वाला विलाग भी कर रहा इतने खत्म इंशाल्लाह मिलने स्नैक्स अच्छे अच्छे विलाग के अपना ढेर सारा ख्याल रखे जे दुआव याद रखे जे ना दुआव दे इजाजत अल्लाह हाफिज़।